हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देख आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर ये टेक्स्ट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर में एमएस पेंट में। और आपको देखो बताता हूँ, इस तरह से टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए हम एमएस पेंट में किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उसको कुछ अलग डिजाइन कैसे दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन बना सकते हैं एमएस पेंट को, और अपने हिसाब से एमएस पेंट में जैसे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग कलर से मैंने कैसे डिजाइन किया, ऐसे टेक्स्ट डिजाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप एमएस ऑफिस को ओपन करेंगे, वो भी रन कमांड से। उसके लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड में हम एमएस पेंट डायरेक्ट लिखेंगे, एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। एमएस पेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले हम टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट में हम जैसे नॉर्मली साइज 8 से लेकर 72 तक होती है, हम साइज़ को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। उसके लिए हमें टेक्स्ट टाइप करने पड़ जाएंगे जो साइज़ लेनी है। यहाँ पे मैंने कर दी 300 टाइप कर दी टेक्स्ट की साइज़। और यहाँ पे हम अब लिखेंगे इंडिया, इंडिया लिख दिया। अब इंडिया का ए है ना आगे अक्सर जा रहा है, तो उसके लिए हम एक बार इंडिया को INDI लिखेंगे और ए को अलग से टाइप कर देंगे। अलग से टाइप कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ पे अलग से टाइप कर देंगे ए, और उसको बराबर में ऊपर इसको क्रॉस करके ऊपर सेट कर देंगे बराबर में। अब ये हो गया अपना इंडिया टाइप। अब इंडिया टाइप करने के लिए करने के बाद यहाँ पे हम रेक्टेंगल शेप में बॉक्स लेंगे और उसको वाइट कलर कर देंगे। साइज जो भी बॉक्स ले हो, चाहे हम सीधी रेखा लेते हैं, लाइन लेते हैं, तो उसकी साइज़ मिनिमम रखनी है हमको। ये साइज़ ज़्यादा है, साइज़ को मिनिमम कर देंगे, बिल्कुल थिकनेस। अब इसको हम बीच में से रेक्टेंगल बना देंगे, आयत बना देंगे। आयत बना दिया, अब ये कट लग जाएगा टेक्स्ट में। और टेक्स्ट जो ये आयत लेते हैं, लाइन लेते हैं, उसका कलर बैकग्राउंड के कलर से सेम ले लेना चाहिए, जिससे टेक्स्ट में बाद में कलर देने में आसानी होती है। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया येल्लो। अब इसके बाद हम टेक्स्ट में कलर देंगे, टेक्स्ट में वाइट, बीच में सेंटर में वाइट दे दिया कलर, उसके बाद ऊपर का कलर दे दिया नारंगी, और नीचे का कलर दे देंगे ग्रीन। और ये हमारे सामने जो इंडिया शब्द हो गया, देखो वो पहले कितना सिंपल था, अब कितने अच्छे से दिख रहा है, अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कलर में आ गए। और ये ब्लैक बैकग्राउंड करते हैं, आपको दिख गया होगा कितना अच्छा और ब्यूटीफुल लगने लग गया। इससे प्रेजेंटेशन हम तैयार करके यूट्यूब पे अपडेट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छे से उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम और भी टेक्स्ट जैसे कैसे टाइप करना है, कैसे करेंगे, तो जैसे अलग अलग टेक्स्ट की डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं। अभी हमने रेक्टेंगल शेप में डिजाइन दी थी और बीच के कलर अलग कर दिए। अब हम नया नाम लिखेंगे, कुछ भी अक्सर में नया डिज़ाइन बनाएंगे, वो कैसे बना सकते हैं एमएस पेंट का, हम और भी कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं आगे भी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं केवल टेक्स्ट पर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलग अलग शेप कैसे देख सकते हैं, उसमें अलग अलग कलर, उसको अलग अलग ब्लॉक में कलर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यह सब बता रहा हूँ। अब इंडिया एक और बनाए, इसमें हम राउंड शेप में कलर देंगे। उसके बाद देखना आप कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए राउंड शेप बना दिया, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड जो राउंड शेप लेके ऊपर से शेप में है ना, राउंड शेप लेंगे, राउंड शेप का कलर ब्लैक करके उसको राउंड दे दिया। अब इसमें हम ब्लू कलर बीच में फिल कर देंगे। ये देख रहे हो साइडों से पतला और बीच में से अक्सर मोटे और फिर वापस साइड से पतला, ये राउंड शेप लिया है और राउंड शेप में डिजाइन। इसके बाद हम एक और टेक्स्ट में डिजाइन लेंगे, टेक्स्ट डिजाइन देख हमने टाइप कर दिया केपी। अब केपी का हम इसमें कर्वर यानी राउंड शेप में, मतलब केवल लाइन के राउंड शेप में लेंगे और इसको एक सीधे कर देंगे, और ये ले लिया हमने, कट लगा दिया। अब कट को हम अपने अकॉर्डिंग कहाँ से राउंड देना है और कहाँ से सीधा रखना है वो कर दिया। अब इसमें हम वापस कलर फिल कर देंगे ब्रश की सहायता से, ये कलर कर दिया येलो, येलो येलो के बजाय हम यहाँ पे कर देंगे रेड करेंगे इसको, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। आप तो खुद देखना कैसे अलग अलग टेक्स्ट कलर लगते हैं, कैसे शेप में आपको अच्छे लगते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। इसी तरह से अगले आगे वीडियो लाता रहूँगा, और
अपना प्यार और स्नेह साथ ऐसे बनाए रखना। वीडियो अच्छा लगे तो हमें फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक नया सर टेक्स्ट देते हैं हम, इस यहाँ पे सर टाइप कर दिया, सर को हम देंगे अलग ही टाइप डिजाइन में, स्टार की डिजाइन में, तारे की डिजाइन में कलर शेप करेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में कलर देंगे। फिर आप देखना कैसे टेक्स्ट का लुक आता है, कैसे टेक्स्ट में अलग से शेप आता है, और ये लास्ट में जब बन के तैयार होता है तो कितना स्पेशल अट्रैक्टिव हो जाते हैं टेक्स्ट। कैसे अगर किसी को ऐसे टेक्स्ट शेयर करें तो वो भी पूछेगा भाई कहाँ से बनाए ऐसे। ऐसे टेक्स्ट बनाने के लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है, और अलग अलग चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, कैसे क्या बनाना है, कैसे आप MS Paint, PowerPoint, Excel, Word सभी चलाना और अच्छे से चलाना सिखा दूंगा सभी को। और अब ये देखिए सर का एक अलग ही, जैसे आपने मूवीज़ कार्टून में देखते हो कि अक्सर, या किसी चैनल के लोगों को देखते हो कि किस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, तो देख लो आप। क्या आपने पहले कभी ऐसे टेक्स्ट डिजाइनिंग MS Paint में की है? अगर की है तो कमेंट करना, और नहीं की है और फर्स्ट टाइम है तो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच सभी को वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगेन थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।